नमस्कार दोस्तों, सूचना क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीलेंद्र कुमार। दोस्तों, मुंबई से सटे नवी मुंबई के खारघर में पिछले रविवार को आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। इस बीच नासिक से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान हीट स्ट्रोक से एक युवक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक धुले जिले के हर्षल ठाकरे की नासिक के आर्टिलरी सेंटर में अग्निवीर प्रशिक्षण के दौरान लू लगने से मौत हो गई है। शुक्रवार को प्रशिक्षण के दौरान हर्षल ठाकरे की तबीयत बिगड़ गई। हर्षल को इलाज के लिए आर्टिलरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिर अधिकारियों ने जवान की मौत की सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हीट स्ट्रोक के कारण हर्षल को उल्टी और बुखार हो गया। देवलाली कैंप थाने ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। शनिवार सुबह 11 बजे गांव में शहीद अग्निवीर हर्षल संजय मराठे की सजे धजे ट्रैक्टर पर शव यात्रा निकाली गई। हर्षल के पार्थिव शरीर को उनके बड़े भाई गौरव मराठे ने मुखाग्नि दी। हर्षल जहां देश सेवा में हिस्सा लेने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करता था, उसी परिसर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सिंधखेड़ा तालुक के सभी भूतपूर्व सैनिक सहित नासिक देवलाली कैंप के सेना के जवान, गांव की महिला और पुरुष, हर कोई हर्षल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा। पूरा गांव हर्षल और उनके परिवार के दुख में शामिल दिखा। अक्षय तृतीया होने के बावजूद गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला। वरुल गांव के मराठा परिवार के हर्षल ने दिसंबर में अग्निवीर की परीक्षा पास की और 1 जनवरी 2023 से नासिक के देवलाली कैंप में उनकी भारतीय सेना के अग्निवीर की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। हर्षल अपने दिवंगत पिता के सपने पूरा करने के लिए सेना में भर्ती हुआ था। शहीद हर्षल को पूरे सूचना क्रांति परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि व कोटि नमन। जय हिंद।